संतानों में चाहे आस्था होती जो धर्म एक आस्था की चीज है, उसी को यदि व्यवस्था बनाने चलोगे और भक्ति गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत के पीछे चला जाएगा। पूछो मनमो से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोली खा रहे थे? क्या उस समय झाड़ू पोछा रही थी? क्या उसमें डॉक्टर रावण का रैया थे किले में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था? और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाते मंदिर का प्रयास कर रहा है निर्माण की गंगाई को मंच पर बैठे वाली हमारी महिलाओं हम सब आपकी प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये भारत है और जो ही किसी देवता का नाम आता है तो तुरंत पहले महिला का नाम आता है, राम से पहले सीता, विष्णु से पहले लक्ष्मी, ब्रह्मा से पहले सरस्वती और शिव की शक्ति जिसको कहते हैं उस शक्ति की प्रतीक दुर्गा। ये महिलाएं हमारी शक्ति की प्रतीक रहे हैं, केवल माँ नहीं है कंधे के साथ अपने पुत्रों को ये सिखाती हैं कि कैसे इस मंदिर की रक्षा करे और वक्त पाने पर उनकी बेटियां भी उनके साथ निकल जाती है, अपने बेटों के साथ सब देखते तक इस मुल्क की इज्जत बढ़ती है। आज की आबादी को छोड़ करके राजनीति में आगे बढ़ने वाले लोगों कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज की आबादी के बल पर ही भारत कहीं चलेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था नारी की क्षमता एक साथ दोनों में ज्ञान अभिज्ञान पैदा नहीं होगा तो ये भारत नहीं आगे हो सकता। नारी की क्षमता ये शरीर के ही एक अंग इस ये धर्म के बारे में लोहिया जी की बात का सुन लो ध्यान से क्या कहा था। धर्म भय लंका निकाले निकाल है चल गए शर्म नहीं आती क्यों? लड़के में जो प्रोफेसर पढ़ाता है वो इधर से उधर स्लेट बोलता है वो फिर अंत में ट्रक का शीशा फोड़ते हुए फिर धीरे धीरे चला जाता है। आदरणीय जगतानंद सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए सत्ता के लिए पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबिल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। और पुत्र के लिए और सत्ता के लिए कुर्सी के लिए जो अपने धर्म का नहीं हो सका वो देश का और जनता का क्या होगा और इस संविधान का क्या होगा।